He brought 15 lakhs of cash into business, of which 3 lakhs is borrowed from the bank. So his own savings is 12 lakhs. थ्री लैक्स इज ए लाइबिलिटी, हमें रिपे करने हैं. कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है. बिजनेस एंड ओनर अलग है. जब बिजनेस बंद होगा तो हमें ये 12 लाख देने होंगे ओनर को, भाई तू तेरा पैसा लेके जा. समझ में आ रहा है? ये ले तेरा पैसा. जैसे लोन हम रिपे करते, कैपिटल भी रिपे करना होगा, बट पहले लोन रिपे करना पड़ता है, उसके बाद कैपिटल रिपे करना पड़ता है. ठीक है? सो 12 लाख देन, उसके बाद he got a gift of rupees 8 lakhs from his father-in-law, which he brought into business. Gift received. If you receive gift, it is your own, na? Uske liye koi aapko return nahi karna padta. So, if you receive the gift and you bring that gift into business, that becomes your capital. Ye aapka paisa hai. Ye aapka paisa hai. So, total capital in cash is 20 lakhs. बोरो करना मतलब रिपेमेंट करना पड़ता है. देयर इज ऑब्लिगेशन टू रिपे. बट अगर आपको गिफ्ट मिलता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिपे. ठीक है? कैश दी होगी ना, 8 लाख की कैश दी होगी. आगे नेक्स्ट. ही ऑल्सो ब्रॉट लैपटॉप रुपीज 40,000, फर्नीचर ऑफ 60, शॉप ऑफ 30 लाख्स, डिलीवरी व्हीकल ऑफ 1 लाख from his personal sources into business. 40 plus 60, 1 lakh, 1 lakh plus 30 lakhs, 31 lakhs, 31 lakhs plus 1 lakh, 32 lakhs. In kind, perfect. Aapka answer perfect hai. 52 lakhs. Ab dekhte hain, theek hai. Business ke paas kya hai aur business ko kisko kitna pay karna hai. What business owns? And what business owes? मतलब कितना pay करना है किसी को? Owes. Business के पास cash है. Total cash कितनी है? Total cash. Right. Owner ने खुद की 12 लाख plus loan लेके 3 लाख. ऐसे वो 15 लाख कैश प्लस गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, सपोज रुपीज 8 लाख का, सो टोटल 23 लाख कैश है. कैश कितनी आई है? 23 लाख. उसमें से 3 लाख राइट लोन के वजह से आई है और 20 लाख ओनर ने खुद की डाली है ऐसे. सो अकाउंटेंट रिसीव 23 लाख इन कैश. ओनर और हम अकाउंटेंट है, उसने हमें 15 लाख कैश दी. मैंने बोला किसकी कितनी है? वो बोलता है मेरे 12 लाख है, 3 लाख लोन है. सो हम बोलेंगे कैपिटल 12 लाख है, लोन 3 लाख है. ठीक है? हमारे पास कैश कितने आए हमारे ड्रॉवर में? 15 लाख. ही गेव अगेन 8 लाख. मैं बोलता हूं 8 लाख क्या है? बोलता है मुझे गिफ्ट मिला है, ये मैं बिजनेस में दे रहा हूं, तो ये उसका है, ये कैपिटल है. ध्यान देना. सो कैश इन टू बिजनेस, टोटल कैश कितनी आ गई? 23 लाख. उसमें से 3 लाख लोन है एंड 20 लाख कैपिटल है. वो कैश का अगर आप बाइफर्केशन करते हो तो 3 लाख इज ए कैपिटल, सॉरी लोन, एंड 20 लाख इज राइट कैपिटल. अच्छा, तो इसका बाइफर्केशन, कैपिटल कितना है? ये जो पैसा है 23 लाख मेरे पास आए, फ्री में तो नहीं आए ना, फ्री में तो नहीं आए, कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा. बैंक वालों को 3 लाख रिटर्न करना पड़ेगा, एंड अगर बिजनेस बंद होगा तो ओनर को 20 लाख रिटर्न करना पड़ेगा. वो लेके जाएगा ना उसका पैसा, कैपिटल 20 लाख्स अभी तक, अभी तक, एंड लोन फ्रॉम बैंक. हम बोलते हैं ना कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, वही तो है. ठीक है? 3 लाख्स. सो जब आपके पास 23 लाख्स आए और आज ही बिजनेस बंद करना चाहते हो तो लोन वाले को 3 लाख दोगे, बोले तेरा ले ले, और कैपिटल ओनर को बोलेंगे तो तेरा 20 लाख ले, काम खत्म. वी आर अकाउंटेंट, वी आर नॉट द ओनर. हम अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं. ठीक है? आगे. सो जो हमारे पास है
वो किसको पे करना है वो मैं पूछ रहा हूं आगे। देन नेक्स्ट, फिर 8 लाख रुपीज वो आ गए बराबर, सब फर्स्ट दो ट्रांजेक्शन से। लैपटॉप है 40,000, यू ओन लैपटॉप, यू मीन्स बिजनेस, बिजनेस ओन्स, अभी बिजनेस का हो गया और इसके लिए बिजनेस बाद में ओनर को पे करेगा। जो ओनर का खुद का लैपटॉप होता था, बिजनेस हैज टेकन दैट, तो इसके लिए बिजनेस बाद में उसको पे करेगा। कितने का लैपटॉप लिया है? लैपटॉप 40,000, फर्नीचर 60,000। जो खुद का लैपटॉप होता था बिजनेस का हो गया, फर्नीचर 60। देन उसके बाद शॉप 30 लाख एंड व्हीकल 1 लाख। ये सब बिजनेस के हो गए, डिलीवरी व्हीकल 1 लाख। नाउ बिजनेस इज ओनर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट ये फ्री में नहीं आए, इसके लिए कभी ना कभी तो ओनर को पे करना पड़ेगा। तो दीज आर इंट्रोड्यूस बाय ओनर, इन काइंड 32 लाख ओनर को देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। उसने जो उसकी चीजें दी है वो फ्री में तो नहीं दी है उसने, ठीक है। 32 लाख, so you own, business owns is the owner of total 23 lakhs plus 30 lakhs, 53 lakhs plus 2 lakhs, 55 lakhs। business में 53 lakhs की property है, total investment business में 53 lakhs की है, उसमें से owner की 52 lakhs की है, बैंक ने 3 लाख लगाए। दिस इज व्हाट यू ओन, दे आर कॉल्ड एज असेट्स। दिस इज व्हाट यू ओज, इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज, एंड योर असेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज। समझा? ये लास्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में कल समझाया वो। ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये कि इतना सिंपल भी नहीं है, मे बी आपको डिफिकल्ट लगेगा, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। बट मैं एक समझा रहा हूं कि जब कोई चीज आपके पास आती है एंड अगर आप उसके लिए पे नहीं करते हो, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना। कोई आपको 53 लाख ओनर कैश दे रहा है, कैपिटल डाल रहा है, फ्री में तो नहीं डाल रहा है। हम बोलेंगे भाई जब बिजनेस बंद होगा तुझे 53 लाख रुपए देंगे, तो हम ऑब्लिगेटेड है, हमारा ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसको लायबिलिटी बोला जाता है। असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में क्या आ गया आपका, बोलो। ए बुक्स ऑफ परचेज बुक्स, इज इट पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वेदर कैपिटलिज्म कैश और काइंड। एट द एंड हम इसे बाइफर्केट करके नहीं देखते कि कैश कितनी, काइंड कितना है। हम कैपिटल तो बोलेंगे तेरा 53 कितना है, तेरा 52 लाख का है, इतना ही बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बोलो ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, एक्स इज द ओनर ऑफ बुकशॉप एंड बुकशॉप परचेज बुक्स, इज इट बिजनेस ट्रांजैक्शन या अ पर्सनल ट्रांजैक्शन? ये बिजनेस बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन? ओके यस, इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, परफेक्ट। सो सेकंड इसमें बिजनेस, देखो एक बायर एंड सेलर होता है हर ट्रांजेक्शन में, दोनों में से एक तो अपना बिजनेस होना चाहिए, दोनों में से एक ये होना चाहिए। हम किसी को पेमेंट करते हैं तो किसी को पेमेंट मिलता है, दोनों में से एक हम होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, गुड। ये हम रिकॉर्ड करेंगे,
हम ये रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ये बिजनेस रिलेटेड है. सेकंड, एक्स परचेज गिफ्ट फॉर हिज डॉटर फ्रॉम हिज ओन मनी. बी के केस में व्हाट यू थिंक? ओनर परचेज गिफ्ट फॉर हिज डॉटर, राइट, फ्रॉम हिज ओन मनी. उसने उसके उसके पैसे दे दिए, हमारा कोई लेना देना नहीं. इट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन. परफेक्ट. विल द अकाउंटेंट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? नो. पर्सनल ट्रांजेक्शन. सी, अब देखो, एक्स पेड डॉटर्स ट्यूशन फीस फ्रॉम द कैश ऑफ ए बिजनेस. दिस इज नॉट पर्सनल. एक्चुअली दिस इज पर्सनल ट्रांजेक्शन बट पेड बाय बिजनेस. ओनर ने नहीं पेड किया है, बिजनेस ने पेड किया. सो बिजनेस ओनर को बोलेगा हम तेरे लिए पैसे दे रहे, बाद में तेरे से लेंगे. सो इसको अब इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे. दिस इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिस इज पर्सनल ट्रांजेक्शन बट पेड बाय बिजनेस. लिखो इसकी ये मुझे आज यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है? मैं समझाऊंगा ये चीज. इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ये मुझे समझा नहीं आज, ये मेरी टर्म है ड्रॉइंग्स. पर्सनल ट्रांजैक्शन बट पेड बाय बिजनेस. बिजनेस की कैश कम होगी ना उसकी वजह से. ऐसे ट्रांजैक्शंस को ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ड्रॉइंग्स समझाऊंगा मैं, ठीक है? डी. हाँ, एक्स परचेस टीवी फॉर हिज होम. एक्स परचेस टीवी फॉर हिज होम, इट इज राइट पर्सनल. एंड दूसरा ही परचेस टीवी फॉर बिजनेस. पेमेंट उसने किया है, पेमेंट उसने किया, बट वो टीवी किसके लिए है या एसी किसके लिए यूज हो रहा है? बुक स्टोर के लिए. मतलब इट इज ए कैपिटल. ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है. वो एसी परचेस करके, एसी परचेस करके बिजनेस को दे रहा है. So, वो उसकी असेट बिजनेस को दे रहा है. बोल रहे ले लो आप यूज करो. जैसे कंप्यूटर उसने खुद परचेस करके बिजनेस को दिया, व्हीकल उसने परचेस की तो बिजनेस के अंदर, वैसे एसी उसने परचेस किया और बोला बिजनेस को ले लो. बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कैपिटल. अब मैं डिफरेंस समझाऊंगा ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल का. इट इज अ ड्रॉइंग्स, लिख के लेना. इट इज अ ड्रॉइंग्स एंड दिस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. It is a capital. ठीक है, अब ध्यान देना. We have to, एक तो capital समझ लिया. What is a capital? When owner, मैं capital के साथ एक concept समझाई थी मैंने. Business entity concept. Owner and business are different. And we are the accountant of business and not the owner. दूसरी बात. If a owner has multiple businesses. Every business is different. Suppose Kaka Halwai ke char shops hai, ek hi owner ke char shop hai. Every shop is a different. Jo suppose camp mein jo Kaka Halwai ka shop hai, wahan pe jo sale hoga, they will sell the sweets. Wo sale wo record karenge, right? ABC wale nahi record karenge. Jo ABC ke idhar sale hoga, वो कैंप वाले रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अगर कैंप वालों ने उधर के एम्प्लॉयज की सैलरी पेड की है, उधर लोग काम करते हैं उनके इधर, उनकी सैलरी तनख्वाह पेड कर दी मंथली, दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय कैंप काका हलवाई शॉप एंड नॉट द एबीसी काका हलवाई शॉप. बट अगर एबीसी वाले उनके इधर कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए पेमेंट करते हैं, फ्री में तो एडवर्टाइज नहीं होगी, आपको पेमेंट करना होगा. अपने न्यूज चैनल में या अपने न्यूज पेपर में एड कर दी तो पेमेंट करना होगा, और खासा तगड़ा पेमेंट होगा. इतना तो पता है, आपने पेड किया, एबीसी वालों ने पेड किया, वो ट्रांजैक्शन काका हलवे वाले नहीं रिकॉर्ड करेंगे. बिजनेस ऑफ द सेम ओनर्स आर आल्सो डिफरेंट. इतना माइन्यूट, और ये मैं जो सिखा रहा हूं ना, बहुत बेसिक सिखा रहा हूं. आई डोंट नो, राइट, ये चीज है नो वन टीच, बट ये बेस है. मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द अकाउंट्स. So, बोल ध्यान देना. अब मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान देना. जब हम ओनर एंड बिजनेस के देख रहे, ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस,
ओनर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, ओनर गिव्स कैश, गिव्स असेट्स, हिज ओन असेट्स टू बिजनेस। देखो आपके घर में मैं बोलता हूं, आप किसको असेट बोलोगे? आपको डाउट आ सकता है। आप जिस घर में रहते हो आपका खुद का है, वो आपके फैमिली की असेट है। आपका गांव में खेत है, वो आपकी फैमिली की असेट है। आपके मम्मी पापा के पास व्हीकल्स है, वो आपकी असेट है। आपके घर में टीवी है, वो आपकी असेट है, फैमिली की असेट है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, राइट, वो सब असेट्स है आपके, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके पास आपके व्हीकल है, आपकी बाइसिकल है, वो आपकी असेट है। आपका आपका वॉच आपकी असेट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास कंप्यूटर है, वो आपकी असेट है। अब समझेगा आपको असेट मतलब क्या, असेट मतलब क्या, ठीक है? एक, एक, खाली वही एसेट होती है कि नहीं, बाकी भी चीज होती है, बट अब भी समझने के लिए फॉर इनिशियल स्टेजेस में। बट जब आपने कंप्यूटर लिया है, वो कंप्यूटर आपने ईएमआई पे लिया है, तो असेट तो आ गई आपके पास विद एन ऑब्लिगेशन टू पे, पे करना होगा, दैट इज अ लायबिलिटी। वो जो ईएमआई पे करने पड़ेंगे वो लायबिलिटी। हाँ, अगर आप पे कर देते हो तो आपको फिर से उसको कुछ नहीं पे करना है। आपने कैश दे दी, आपने कैश दे दी, आपके जेब में पैसे, वो आपकी असेट है। यू कैन गो एंड परचेस एनीथिंग दैट यू वांट। आपको जो चाहिए आप उस पैसे से कर सकते हो, वो असेट है। इसलिए पैसे की वैल्यू है। अगर मतलब असेट्स की वैल्यू होती है, अगर वैल्यू नहीं रहती तो पैसा कोई भी इधर उधर उड़ाता, मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती तो। समझा? रस्ते पे चलते नोट दिखती हम उठाते हैं, बिकॉज इट हैज अ वैल्यू, वो असेट है, ठीक है? आपके बैंक में पैसे पड़े, आप जाको कहां पे कार्ड शॉप करो, आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, असेट है बैंक बैलेंस। वो आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है वगैरह, तुम्हारे पास क्या है? वो जो जो वर्ड्स यूज कर रहा है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट उसके पास सब एसेट्स है। और सामने वाला बोलता है मेरे पास माँ है, वो आपने डायलॉग इज क्वाइट फेमस, सो ही सेज दैट मदर इज हिज असेट। मतलब अब वो बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, तो उससे आप लिंक कर सकते हो असेट मतलब क्या, व्हाट यू ओन, जो आपके, ठीक है? आगे नेक्स्ट। सो ओनर जो उसके असेट्स, खुद के असेट्स, उसकी कैश, उसके कंप्यूटर वगैरह जो बिजनेस को देता है, बोलता है बिजनेस तू यूज कर, तेरे पास रख, तू ओनर है। फ्री में नहीं देता है, बाद में पैसा लेगा उससे, ठीक है? और बिजनेस भी बोलता है मुझे फ्री में नहीं चाहिए, आई विल पे यू, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। इतना तो लास्ट लेक्चर में हमें समझा, कैपिटल। एंड अगर ओनर ओनर रिक्वायर्स सम मनी, उसके डॉटर की ट्यूशन फीस पे करनी है, डॉटर के मैरिज के लिए एक्सपेंस चाहिए, उसके घर का लाइट बिल, वो बिजनेस के कैश से पे करता है। देखो बिजनेस की कैश अलग, बिजनेस की असेट अलग, ओनर की असेट अलग। अगर ओनर यूजेस असेट्स ऑफ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ओनर, देखो ध्यान देना, ओनर ने क्या किया, अकाउंटेंट के पास गया कि मुझे कैश दे दे। वो बोलता है किस लिए? बोलता है मुझे मेरे पार्टी देनी मेरे फ्रेंड्स को। किसकी कैश लेके गया वो? बिजनेस की। तो कहने से वो पार्टी किसने पेड की? बिजनेस ने पेड की, बट वो बिजनेस के लिए पर्सनल की है? पर्सनल। व्हेन बिजनेस फाइनेंसेस द ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर, खुद पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस फाइनेंस करता है, मतलब बिजनेस पेज, या ओनर विड्रॉज मनी फ्रॉम बिजनेस एंड यूजेस इट फॉर पर्सनल यूज, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाए। एग्जैक्टली कैपिटल का उल्टा, ड्रॉइंग्स। बिजनेस यूजेस मनी ऑफ, बिजनेस यूजेस मनी ऑफ ओनर, कैपिटल। ओनर यूजेस मनी ऑफ बिजनेस इज ड्रॉइंग्स। एग्जाम्पल, सो लिख लो ड्रॉइंग्स। अमाउंट विड्रॉन, राइट, बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस
फॉर हिज पर्सनल यूज। Drawings are the amounts withdrawn by owner from his business for personal use. ठीक है, examples लिखो। ठीक है, following are details. राइट, और एग्जांपल्स लिखो, मटेरियल के लिए एग्जांपल्स लिखता हूं, फिर मैं आपको वैल्यूज वगैरह समझाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल, ओनर घूमने गया, एग्जांपल ओनर घूमने गया, उसका ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट बिजनेस ने निकाल के दिया। इज इट फॉर द बिजनेस पर्पस? नो, इट इज फॉर हिज फैमिली ट्रिप या उसके लिए। So, वो पैसा किसने पेड किया है? बिजनेस ने। सो कैन आई से ओनर हैज टेकन मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज? यस, दैट विल बी ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो एग्जांपल, ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देखो अकाउंटेंट उसको नहीं नहीं बोलेगा कि भाई तेरा ही बिजनेस है, ठीक है तो कैश निकाल, बट हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, देन मैं अभी तक आया नहीं उस पे, बिजनेस एम्प्लॉयज को क्या पे करेगा वगैरह, एक एक टर्म जा रहा हूं। ठीक है, कैश विड्रॉज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओनर विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स, देन बिजनेस मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, लाइक राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल of owner's house. देखो owner जिस घर में रहता है उसका electricity bill business pay कर रहा है, so ये business के लिए नहीं, ये personal use के लिए, but payment कौन कर रहा है? Business, हम pay कर रहे हैं, so हम उसको drawings बोलेंगे, हम बोलेंगे तेरे खुद के use के लिए। ठीक है, then house rent paid, उसके घर का रेंट बिजनेस पे कर रहा है। देखो बिजनेस का रेंट ऑफिस रेंट रहेगा, बिजनेस का रेंट ऑफिस रेंट रहेगा। जब मैं हाउस रेंट की बात कर रहा हूं, बिजनेस तो हाउस नहीं रहता, बिजनेस ऑफिस में होता है। हाउस रेंट मतलब उसके वो जो यहाँ पे रहता है ओनर, उसकी फैमिली, वो सपोज रेंट पे रहता है, वो रेंट बिजनेस पे कर रहा है। ठीक है, देन आप बोलोगे सर ऐसे क्यों, बिजनेस क्यों पे करेगा? ओनर बोलेगा देखो कभी ना कभी तो मुझे पैसे निकाल लेना, तो आप मेरे लिए पेमेंट करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे आप आपके दोस्त के साथ जाते हो, राइट, आप आपके फ्रेंड को बोलते तू पे करना मेरे लिए, मैं बाद में देता हूं तुझे, या सपोज आपको आपके फ्रेंड से 10,000 लेने, यू आर सपोज टू रिकवर 10,000 फ्रॉम योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड बोलता है मैं तेरे लिए खर्चे करता हूँ 10,000 के, क्या प्रॉब्लम है? माइनस हो जाएगा, सपोज 10,000 पे करने हैं, मैंने तेरे लिए 6,000 पेमेंट किए, तो अब खाली 4,000 पे करना है, लॉजिकल है ना? आगे हाउस रेंट पेड, डॉटर्स राइट, मैरिज एक्सपेंसेस पेड, ये एग्जांपल आपके इसमें रहता है, टेक्स्टबुक में रहता है। अब बेटी की शादी है, इसलिए ओनर को जो खर्चे करने हैं वो बिजनेस के थ्रू कर दिए उसने, बिजनेस अकाउंट से पैसा गया। दैट पेमेंट मेड बाय बिजनेस इज टुवर्ड्स पर्सनल यूज, इट्स नॉट फॉर द बिजनेस यूज, सो हम अकाउंटेंट उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। देन
ट्यूशन फीस। Of daughter, yes son. अब उसका son या daughter tuitions के लिए जाती है और उसके tuition fees business pay कर। Business तो tuition के लिए नहीं जाएगा, उसके personal expenses business pay कर। These are the examples given in the textbook। और ये transactions में आएंगे, हमें उसकी entry करनी है, ठीक है? आगे, then इनकम टैक्स पेड। देखो इनकम टैक्स पर्सनल रहता है। इलेवेंथ में जो इनकम टैक्स रहता है ना वो ड्रॉइंग्स रहता है। जब ऐसे लिखा होगा कि इनकम टैक्स ऑफ 10,000 पेड, बिजनेस हैज पेड इनकम टैक्स ऑफ द ओनर, उसकी पर्सनल टैक्स हमने पेड किया है, उसने पे करना चाहिए उसके कैश में से, बट हमने पेड किया उसके लिए, हम उसको ड्रॉइंग्स बोल के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? देन आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओनर्स हाउस पेड, हाउस रेंट पेड, डॉटर्स, राइट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल के लाइफ पे रहता है, कोई बंदा होता है उसके लाइफ सिक्योर करता है वो लाइफ इंश्योरेंस, LIC सुना होगा आपने। बिजनेस भी इंश्योरेंस निकालता है, जैसे आपके व्हीकल पता है ना आपको, व्हीकल इंश्योरेंस है, आपको पता होगा अब टू व्हीलर चलाते तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, फोर व्हीलर होती है उसका इंश्योरेंस होता है, आपके घर का इंश्योरेंस होता है, उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, उसका जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ पे, किसी बंदे के लाइफ पे जो इंश्योरेंस है, वो मर गया तो पैसे मिलेंगे, उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। या मेडिक्लेम सुना होगा, मेडिक्लेम मतलब बीमार पड़ते हो तो आपको पैसा मिलता है, उसके लिए आपको फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए पहले आपको पैसा देना होता है इंश्योरेंस कंपनी, प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। एक सेकंड, अगर है मेरे पास तो आई कैन शो यू। होना चाहिए, आई हैव डिलीटेड माई मेल्स, मैंने पूरा ब्लैंक किया, डायरेक्टली डिलीट मार दे बहुत जगह पे, इसलिए वो पहले होते थे, अब देर आर ओनली 100-200 मेल्स, 30,000 थे, बीच में मैंने सब डिलीट मार दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जनरली पहले मेल में इजीली मिलता था मुझे, रिसेंटली मतलब मैंने अभी जून जुलाई में सब डिलीट मारे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्या बोल रहे हो, ध्यान देना, इंश्योरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, लाइफ, किसी के लाइफ पे इंश्योरेंस निकालते हो उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, अगर किसी चीज पे इंश्योरेंस निकालते हो उसको जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है, ठीक है? उसको जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है। आपने आपके व्हीकल पे इंश्योरेंस निकाला, उसको जनरल इंश्योरेंस, आपने आपके घर के लिए इंश्योरेंस निकाला, जनरल इंश्योरेंस, आपने गुड्स, आपका वेयरहाउस है, स्टोरेज हाउस है, उसमें जो सामान रखा है उसके लिए इंश्योरेंस निकाल के रखा है, अगर फायर वगैरह लगती है, जल जाता है पूरा, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, लाइक हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गुड्स भेजते हैं थ्रू शिप्स, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है, आपने देखा होगा ओला वगैरह बुक करते तो उसमें आता है सिक्योर योर जर्नी, इंश्योरेंस होता है 1 रुपए का, देखो कभी पढ़ा होगा तो, ठीक है? सो व्हाट आई मीन, राइट, ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं, राइट,
फायर इंश्योरेंस होता है, अगर फायर लगती है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, राइट। मराइन इंश्योरेंस होता है, राइट। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। सो वो बिजनेस के लिए हो गए, बट लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल ओनर के नाम पे, इफ ओनर की डेथ होती है तो वो पैसा ओनर के फैमिली को मिलेगा, बिजनेस को नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। वो आ गया आपका, देखना होगा ना। देखो अगर कौन एग्जाम्पल, हमने बिजनेस की व्हीकल है उसका इंश्योरेंस निकाला, इट इज अ बिजनेस, इट इज बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। सो देखना होगा हमें, जनरली वी से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्रॉइंग्स, इट इज पर्सनल। अब दूसरे किसी का इंश्योरेंस है, गुड्स, गुड्स पे इंश्योरेंस निकाले आपने, एग्जाम्पल राइट। आपको मैं सिंपल एप्पल का शोरूम है, एप्पल का, ठीक है, ये वो जाने दो। आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, उसमें राइट परेश रावल क्या क्लेम करता है, या तो मुझे मंदिर वाले पैसे दे या मुझे इंश्योरेंस वाले पैसे दे। इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं, ये फायर की वजह से अगर नहीं हुआ है, ये अर्थ की वजह से हुआ, इट इज एक्ट ऑफ द गॉड, इट इज एक्ट ऑफ द गॉड। हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, बिकॉज इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स होते हैं कि फायर होगी तो ही हम इंश्योरेंस देंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे कोई फ्लड आता है या अर्थक्वेक वगैरह होता है उसकी वजह से लॉस होगा तो हम नहीं देंगे। आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने, हेल्थ अरे मेडिक्लेम वालों ने, मेडिक्लेम फैसिलिटीज ने, अभी कोविड 19 के टाइम जो पेशेंट्स एडमिट हुए दे आर डिनाइड टू मेक द पेमेंट, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट करना पड़ा। वो बोले हमने कभी कोविड के अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं दिया था। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। सो इंश्योरेंस ले, प्रीमियम लेते टाइम आपसे बहुत हंसते हंसते लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट आइन टाइम पे कोई नहीं आता। एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो दूसरा, आपने गब्बर इज बैक बोल के मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें देखो वो पाटिल हॉस्पिटल दिखाया, उसमें क्या होता है, वो एक डेथ बॉडी को लेके जाता है, राइट, उनसे भी पैसा लेता है और इंश्योरेंस वालों से भी पैसा लेता है। वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मरने के बाद जो मिलता है वो लाइफ इंश्योरेंस। एंड जो आपने ओ माय गॉड मूवी में देखा ना कि परेश रावल बोलता है कि इंश्योरेंस वाले मुझे पैसे, मुझे पैसे मिलने से मतलब है, मुझे इंश्योरेंस वाले दे या टेम्पल वाले दे, वो मूवी देखो आपको समझेगा। जो परेश रावल मांग रहा है ना, वो जनरल इंश्योरेंस मांग रहा है कि मुझे मुझे पैसा दे दो। एंड बहुत मूवी में गब्बर इज बैक में जो दिखा है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लेता है अक्षय कुमार, और उस लेडी को देता है, बोलते है कि वो बोलती ना मरने के बाद ये काम में आ गए, जिंदा होते तो कभी नहीं आए बट मरने के बाद आ गए। सो वो लाइफ इंश्योरेंस है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज पर्सनल, ठीक है, ऑन ए लाइफ ऑफ ए ओनर, इट इज अ पर्सनल इन द नेचर, देयरफॉर ड्रॉइंग्स। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द राइट योर ड्रॉइंग्स। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं, लिख लेना, drawings decreases capital, लिख लेना important point, drawings decreases capital, यार opposite ना, drawings decreases capital, ध्यान देना। example, एक स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 5 लाख एंड अदर असेट्स ऑफ रुपीज 2 लाख, राइट, started business with 5 lakhs cash, rupees 5 lakhs and other and transferred, kuch to aise likho to click nahi click hoga, transfer other assets of rupees 2 lakhs to business, transfer, theek hai,
Then second, he withdraws rupees कितना ले लो 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। अच्छा आपको ईयर मैंने अभी तक लिखा नहीं, तो लिखो ही विड्रॉ रुपीज, मैंने अभी तक ईयर बोला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रुपीज 60,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। नहीं, थर्ड, ट्यूशन फीस डॉटर्स ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस पेड रुपीज 20,000। थर्ड, फोर्थ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस विद द बिजनेस, और बिजनेस ने किया रुपीज 10,000। फिफ्थ, ठीक है, हाउस रेंट पेड रुपीज 7,000 एंड पेड फॉर हिज पर्सनल ट्रेवलिंग पर्सनल ट्रैवल रुपीज 3,000। सो दीज आर द ट्रांजैक्शंस, दीज आर द ट्रांजैक्शंस। देखो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स में वन इज बिजनेस एंड अनदर इज ओनर। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? बिजनेस एंड ओनर। ओनर गिव्स मनी टू बिजनेस कैपिटल, ओनर टेक्स मनी फ्रॉम द बिजनेस इज ड्रॉइंग्स। There are two parties. One is a business, हम एक पार्टी और दूसरा ओनर है, ठीक है। तो या तो कैपिटल रहेगा या ड्रॉइंग्स रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। बिजनेस में पैसा आ रहा है कैपिटल, बिजनेस से ओनर को जा रहा है ड्रॉइंग्स। सो फाइंड आउट नेट कैपिटल, फाइंड आउट नेट कैपिटल। What is the net capital? Is capital minus drawings. तो capital कितने, drawings कितने? Solution. Capital में first transaction is related to capital. Owner gave 5 lakhs plus other assets of 2 lakhs. So total capital is 7 lakhs. Capital. In cash. Rupees 5 lakhs. In kind. 2 lakhs. So total capital is 7 lakhs. He invested, his investment into business is 7 lakhs. His investment into business is 7 lakhs. Drawings, उसने business से उठाए, ठीक है। In cash कितनी और in kind कितनी? इन काइंड आई थिंक एक भी नहीं है मेरे पास, या यहां पे एक ऐड कर दो, कुछ नहीं होता है। एक लिखो 7 गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मैं एग्जांपल देता हूं फिर आपको क्लिक होगा। एग्जांपल आपका लैपटॉप का शॉप है, आपके पापा का लैपटॉप का शॉप है, ठीक है, पर्सनल यूज।
आपके पापा का लैपटॉप है शॉप पे एंड यू हैव टू बाय द लैपटॉप, तुम्हें तुम क्या किसी दूसरे के दुकान में जाके लैपटॉप लोगे क्या? आप क्या करोगे, आपके दुकान में जाओगे पापा के और पापा को बोलोगे मुझे लैपटॉप चाहिए एंड पापा वो लैपटॉप आपको देते हैं। सो पापा ने, वो ओनर ने ही उनके बिजनेस से लैपटॉप लिया है। सो लैपटॉप्स आर गुड्स ऑफ द बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस इन द लैपटॉप्स, परचेस द लैपटॉप सेल द लैपटॉप्स, परचेस द लैपटॉप सेल द लैपटॉप्स, परचेस द लैपटॉप सेल द लैपटॉप लाइक दैट। सो लैपटॉप्स आर गुड्स फॉर देम और आपके पापा ने आपके लिए वहां से लैपटॉप लेके दिया। क्या पापा पे करते क्या, ये ले ले बिल बना हो रही है, नहीं इसके बिल वगैरह नहीं बनता, ठीक है, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। अगर एग्जांपल, और आपके पापा को एक्चुअली आपको सस्ते में भी मिलेगा बिकॉज उन्होंने लॉट में लिए होंगे ना लैपटॉप्स, समझ में आ रहा है? आपका बुक, आपके पापा का बुक शॉप है और आपको 11 के बुक चाहिए, आप क्या दूसरे के दुकान से लेके आओगे, आपके दुकान से लेके आओगे, आपके दुकान से लेके आओगे? सो आपके पापा जो बिजनेस ने गुड्स परचेस किए हैं, बुक्स परचेस किए हैं, उसमें से ही बुक्स आपको देंगे, वो सेल नहीं कर रहे, वो पर्सनल यूज के लिए कर रहे, दैट जो उन्होंने परचेस करके रखा है वो खुद के यूज के लिए। ए फार्मर कल्टीवेट्स फूड ग्रेन्स, ठीक है, उसमें से खुद यूज करते ना, कैप्टिव कंजम्पशन, पता है ना कैप्टिव कंजम्पशन, सुना होगा आपने, कैप्टिव कंजम्पशन खुद के लिए यूज करते हैं। जो उसने फूड ग्रेन्स कल्टीवेट किए हैं उसमें से वो थोड़ा खुद के कंजम्पशन के लिए करता है और बाकी मार्केट में सेल करते हैं। सो जो खुद के कंजम्पशन के लिए, इट इज लाइक ए ड्रॉइंग्स, आप मार्केट में जाके परचेस करके आओगे, नहीं, आपने जो कल्टीवेट किया उसमें से यूज करोगे ना। सिमिलरली जो आपने बुक्स परचेस करके रखे बिजनेस के लिए, उसमें से ही बुक्स आप आपके बेटे या बेटी को दोगे, सो दैट राइट आप कहां पे दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं। सच ट्रांजैक्शंस आर ड्रॉइंग्स, ठीक है। हाँ, आप सेल करोगे तो इनकम हो गया आपका, सेल करोगे इनकम, बट खुद के लिए यूज करोगे, खुद को सेल नहीं करते आपका भी, ठीक है। सो आप बोलोगे मेरे नाम में, मैं आपको बोलता हूँ, आई डोंट नो यार तुम लोग कितने देखते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आई डू वॉच वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इट्स अ टाइम पास, मतलब थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के लिए। उसमें वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाया है और उसमें अगर कुछ आपने देखा होगा कि वो जेठालाल बोलता है कि मेरे नाम पे लिख देना, नट्टू काका उनका अकाउंटेंट होता है, वो सब हिसाब वगैरह करता है, नट्टू काका इज अकाउंटेंट। अगर कोई ये आता है, अब ध्यान देना, राइट, कुछ बागा को पैसे चाहिए और ये बोलता है, जेठा खुश है, बोलता है तू लेके जा, और नट्टू काका को बोलता है मेरे नाम पे लिख दे। ओनर बोल रहा है मेरे नाम पे लिख रहे, मतलब ये जो है ये मेरी ड्रॉइंग्स दिखा, जैसे मैंने लिखा ले ऐसे दिखा, समझा, उससे कैपिटल कम हो जाएगा ऐसे। सो ओनर के नाम पे लिखना मतलब या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग्स। ओनर के दो अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में, एक कैपिटल अकाउंट जो उसकी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जो उसने पैसा डाला है वो दिखाते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट जो उसने निकाला है वो दिखाता है, हमें नेट करना होता है एंड में, ठीक है। सो ओनर ने 7 लाख रुपीज बिजनेस में डाले, ओनर ने 7 लाख रुपीज बिजनेस में डाले, उसका कैपिटल है, ड्रॉइंग्स इन कैश 60,000 फॉर पर्सनल यूज, यस, उसको खुद के खर्चे के लिए पैसे लगेगा, उसने बिजनेस से उठाया 60 प्लस 20,000 उसने डॉटर के ट्यूशन फीस के लिए पेड किया, बिजनेस के हिस्से पेड किया, 20-80 ड्रॉइंग्स हो गए अभी तक, 10,000 प्रीमियम पेड किया, 90,000 ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। देन हाउस रेंट, उसके घर का रेंट बिजनेस ने पेड किया 7,000 उसके पर्सनल यूज के लिए, ऑल दोस पेमेंट्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ओनर इज अ ड्रॉइंग्स, 3,000 उसके पर्सनल ट्रैवल के लिए, वो घूमने गया बिजनेस ने पेड किया, उसके नाम पे लिखेंगे, उसके नाम पे लिखना, ठीक है, 1,00,000 टोटल ड्रॉइंग्स 1,00,000 एंड सो इन कैश इज 1,00,000 एंड इन काइंड वो गुड्स लेके गया बिजनेस के, उसको लग रहे होंगे, जैसे मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, बुक्स का एग्जांपल दिया, आपकी मोबाइल शॉप ही है एंड राइट आपके वाइफ, राइट आपकी वाइफ तो नहीं हो सकती, सपोज आपके पापा के मोबाइल शॉप ही है और यू वांट ए मोबाइल, तो आप किसी दूसरे के मोबाइल शॉप में जाओगे, आपके पापा के पास जाओगे, पापा के पास बोलोगे मुझे क्या चाहिए, राइट मोबाइल चाहिए, तो पापा आपको मोबाइल देंगे और उनके नाम पे लिखा जाएगा,
उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो टप्पू ई परचेसेस मोबाइल फ्रॉम गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज ड्रॉइंग्स। वो पैसे नहीं देता और जेठा बोलता है कि मेरे नाम पे लिख देना। मैं आपको वो एग्जांपल्स दूंगा जो आपको क्लिक होंगे, ठीक है। सो इन कैश इज 1 lakh एंड इन काइंड इज 20। ठीक है, इट इज 1 lakh 20। सो उसने 7 lakh बिजनेस में डाले और उसमें से 1 lakh 20 खुद के लिए निकाले, ठीक है। देयरफॉर नेट कैपिटल, मतलब बिजनेस हैज टू पे 7 lakh टू ओनर, बिजनेस हैज टू पे 7 lakh टू ओनर एंड बिजनेस हैज टू रिकवर 1 lakh 20 फ्रॉम द ओनर। देखो कैपिटल क्या होता है, ओनर को कितना पे करना है। ड्रॉइंग्स क्या, उसने हमसे कितना निकाला, तो हम उसको बोलेंगे 7 lakh तुझे पे करना है, 1 lakh 20 तेरे से लेना है, तो नेट तुझे पे करना है 5 lakh 80। सो ठीक है आगे, सो नेट कैपिटल, तेरा नेट कैपिटल कितना है, इज कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। It is 7 lakhs less 1 lakh 20. So business को उसको net कितने देने हैं, 7 lakh नहीं 5 lakh 80, 7 lakh उसने हमें दिए और उसने हमसे निकाले 1 lakh 20, तो उसको नेट कितना नेट के आ जाएगा, हम बोलेंगे भाई तेरा कैपिटल 5 lakh 80 है। सो ड्रॉइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर टू फाइंड आउट नेट इन्वेस्टमेंट। आपको एग्जांपल देता हूं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, आई डू वॉच मूवी एंड आई कोरिलेट विद माय लाइफ, या हमारे जो सीखते हैं। एक मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर, गोविंदा की मूवी थी, पुरानी मूवी, मैंने बहुत पहले देखी है, बट आई वॉज लर्निंग अकाउंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसमें क्या दिखा है कि जो देर आर हीरोइन और उसके चार बहन या तीन चार बहन रहते हैं वो, और वो शादी के लिए रेडी नहीं रहते, और उनके पापा जिनकी इच्छा होती है कि ये शादी करें, और चारों लड़कियां शादी नहीं कर रही है, एंड ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट फादर इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड उनके इधर एक एम्प्लॉय बोलता है, स्वीट्स लेके आता है और कार्ड लेके आता है, बोलते है मेरे बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। तो ही गेट्स इमोशनल, बोलता है कि देख मेरे चार लड़कियां है वो, राइट, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, मैं इतना रिच हूं वगैरह, बट मैं मेरी बेटियों की, दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, उनके साथ शादी करने के लिए कोई भी तैयार है, बट ये रेडी नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है मेरे साथ, कि उनकी शादी वो कर रहे, बट तेरी शादी हो रहा है, बोलता है मैं पूरा तेरा खर्चा मैं करता हूँ, बिकॉज वो इमोशनल रहता है। तो जब वो बोल रहा है कि ये तेरा खर्चा मैं करता हूँ, मतलब बिजनेस करेगा, Actually, it is the drawings. वो business का पैसा उसके personal काम के लिए कर रहा है, आप बोल रहे हो employee को दे रहा है, employee से वो recover नहीं करेगा बाद में, try to understand, मतलब ऐसे चीजों को जो आप, मैं ऐसे example दे रहा हूँ जो click हो, आपको कभी आपने देखा होगा, I don't know कितने लोगों ने, right, आप थोड़ा सोचोगे ना तो click हो जाएगा आपको, या आप कहाँ पे correlate कर सकते हो तो समझ में आएगा। So, owner many times uses assets of the business for his personal use. Example, showroom है, आपका vehicle का showroom है, four wheeler vehicle का showroom है आपका, और आप वहां से ही bike लोगे, bike या आपकी car रहेगी वहां से ही लोगे, तो आपने business ने four wheelers purchase करके रखे so that वो sell करे customers को, उसमें से एक vehicle आप use कर रहे हो personal use के लिए, तो that will be treated as drawings. That will be treated as drawings. कितने बार होता है? कितने बार होता है? Are you getting my point? So, जब हम business की चीजें owner खुद use करता है उसके लिए, उनको drawings बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, इसके related, so capital and drawings are exactly opposite. Capital, ये diagram आपको help करेगी समझने के लिए. Capital and drawings are exactly opposite. Capital is a liability. बिजनेस बोलता है हमें तुझे पे करना है,
एंड ड्रॉइंग्स इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी. ड्रॉइंग्स की वजह से हमें उसको पहले 7 लाख देने थे, उसने 1,20,000 विड्रॉ किए उसके यूज के लिए, तो हमारी लाइबिलिटी अब 7 लाख नहीं है, हमें उसको 7 लाख नहीं पे करने. बिजनेस इज नॉट सपोज टू पे ओनर 7 लाख, जस्ट 5,80,000. सो ड्रॉइंग्स इज अपोजिट ऑफ कैपिटल, इट डिक्रीजेस कैपिटल, मतलब डिक्रीजेस लाइबिलिटी. आपके फ्रेंड ने आपसे 10,000 रुपए लिए या आपने आपके फ्रेंड से 10,000 रुपए लिए, योर लाइबिलिटी टूवर्ड्स योर फ्रेंड इज 10,000, यू हैव टू पे 10,000 टू योर फ्रेंड. लेटर ऑन योर फ्रेंड टेक्स 3,000 फ्रॉम यू और यू मेक्स पेमेंट ऑफ 3,000 टू योर फ्रेंड, तो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई, खाली 7,000. समझ में आ रहा है, नेट ऑफ हो जाएगा ना वैसे ही, ठीक है. सो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर अपोजिट. सो ट्रांजैक्शंस विद ओनर कैन बी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और ड्रॉइंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शंस विद द ओनर, ओनर से पैसे आए कैपिटल, ओनर ने पैसे निकाले ड्रॉइंग्स, ओनर ने असेट्स दिए कैपिटल, ओनर ने असेट्स निकाले ड्रॉइंग्स. समझा? सो ओनर इज रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनर इज रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज राइट इधर कैपिटल और ड्रॉइंग्स. यस मैडम बोलो. देयर आर सम डाउट्स, आई विल टॉक दोस डाउट्स, किसी के है तो पूछो तब तक. अच्छा एक सेकंड, लेट मी चेक. What if the company pays for the employees? I mean to say that the company pays for the employees' traveling expenses. It is expenses. अरे employee owner अलग है ना, owner के लिए drawings होते हैं, employees का expenses रहेगा, वो अभी करना है हमें, ठीक है. If there is a insurance for vehicle house, is it business? आप कौन से vehicle पे, personal vehicle पे insurance, personal expense, business vehicles के expenses. Example, आपने ये देखा होगा MACD वगैरह, उनके खुद के व्हीकल्स होते हैं, देखा है ना डिलीवरी बॉय आते हैं, देखो मैकडी वगैरह, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस. अब एग्जांपल क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, ओनर है मैकडी शॉप का, ओनर है, वो कार में आता है और उसका पेट्रोल बिजनेस पे करता है, वो खुद वो इधर उधर घूमता है बिजनेस के लिए, उसके यूज के लिए घूमता है, उसका पेट्रोल का पूरा खर्चा कौन करता है, बिजनेस, दैट इज अ ड्रॉइंग्स, हम उसको पे कर रहे हैं उसके लिए. बट वही उनके टू व्हीलर्स है, वो जगह जगह पे जाके डिलीवरी करते हैं, उस उन टू व्हीलर्स का पेमेंट, उनका पेट्रोल का पेमेंट वो बिजनेस के लिए, बिकॉज दे डिलीवर द फूड आइटम्स एट राइट कस्टमर्स डोरस्टेप, तो वो पेट्रोल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंस है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है. देन सो हमें देखना है पर्पज क्या है, एंड यूज क्या है, पर्सनल है तो ड्रॉइंग्स, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, उसको ड्रॉइंग्स मत बोलो, उसको एक्सपेंस बोलते हैं. अभी तक मैंने एक्सपेंस की डेफिनेशन नहीं ली है. देन ठीक है, आगे द लास्ट कंसेप्ट बिफोर वी क्लोज, आई विल टेक 5 मिनट एक्स्ट्रा, 5 to 10 मिनट एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं, सिंपल है बहुत. ईयर, देयर आर 2 ईयर्स, एक होता है कैलेंडर ईयर, जो जनवरी से दिसंबर, फर्स्ट जनवरी से दिसंबर है, एंड देयर इज राइट अकाउंटिंग ईयर. इंडिया में अकाउंटिंग ईयर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अकाउंटिंग ईयर किसने दिया है, इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है. अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम 1st April 31st ऑफ मार्च. अकाउंटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए द ईयर इज अप्रैल से मार्च. जैसे आपका एकेडमिक ईयर होता है, एकेडमिक ईयर जनरली अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च तक खत्म हो जाता है, बराबर ना. एकेडमिक ईयर कैसे बीच में रहता है, वैसे आपका अकाउंटिंग ईयर होता है. इन इंडिया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन द 1st April, एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च. हमारा कैलेंडर ईयर सबको पता है. देयर आर सम कंट्रीज लाइक US, इन देयर केस देयर अकाउंटिंग ईयर इज अ कैलेंडर ईयर, मतलब उनका अकाउंटिंग ईयर जनवरी को स्टार्ट होता है,
एंड भी दिसंबर में होता है, बट इंडिया में अकाउंटिंग ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम कैलेंडर ईयर. ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स आर अकाउंटिंग ईयर विल बी शिफ्टेड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. अप्रैल से जो मार्च हमारा अकाउंटिंग ईयर है दैट विल बिकम जनवरी टू दिसंबर. दैट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि टू मेक इट एट पार विथ लाइक ऑल कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज. कोई उनका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर ही होता है, मतलब जनवरी से दिसंबर ही उनका अकाउंटिंग ईयर होता है. बुक्स विल बी ओपन्ड ऑन द 1st जनवरी, बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर. मैं आपको बोलता हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल. आई डोंट नो आप कितने लोग घर में इन्वॉल्व रहते हो, कितने लोग घर में ध्यान से देखते हो. दिवाली के टाइम जब वो लक्ष्मी पूजन होता है, योर पेरेंट्स एक नई नोटबुक करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर तक यूज करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में नई नोटबुक निकालते हैं लक्ष्मी पूजन. सो योर पेरेंट्स आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम दिवाली टू दिवाली, वो पर्सनल उनके उनके खर्चे वगैरह के लिए. कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं, तो अब भी दिवाली आएगी तब ध्यान देना लक्ष्मी पूजन के टाइम. अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ बिजनेस के लिए. इन इंडिया द अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल से मार्च. सो जब भी हम अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे, हमारा अकाउंटिंग ईयर ओपन होगा 1st अप्रैल को और एंड होगा 31st मार्च. जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो अप्रैल से मार्च होगा. ठीक है, इन दिस ईयर द अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होना चाहिए था? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? देखो ध्यान देना एक सेकंड है एवरीवन. इंडिया में अभी कैलेंडर ईयर चल रहा है 2020. कैलेंडर ईयर चल रहा है 20 जनवरी 20 से दिसंबर 20. अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, अब हम कब है? ऑगस्ट में ना, हम कब है? ऑगस्ट में. हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है अप्रैल 20 टू मार्च 21. हम किस अकाउंटिंग ईयर में अभी? अप्रैल 20 टू मार्च 21. आपका एकेडमिक ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ है? 2021. वैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 2021. इसके पहले का कौन सा था? इसके पहले का था अप्रैल 19 टू मार्च 20. इसके बाद वाला कौन सा ईयर रहेगा? अप्रैल 21 टू मार्च 22. So we are now in the accounting year 2021. जब भी मैं अकाउंटिंग बोलूंगा हम कौन से ईयर में? 2021 में. एंड इंडिया में अकाउंटिंग ईयर इज फॉलोड फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एज पर इनकम टैक्स एक्ट. एंड इट इज एक्सपेक्टेड, मैंने पहले ही बोला कि मे बी यू विल बी इन इंटर और सीए फाइनल, अगर आप करते हो you will find that your accounting year is nothing but calendar year, because major jo countries are developed countries, they follow January se December as a year for their books of accounts. India mein hum April se March kar rahe hain, theek hai. So India ke liye ye hai, India follows this accounting year, theek hai. And in USA example, ya main aapko dikha bhi sakta hu ek second, and then we will end the lecture, theek hai. In UK, ठीक है. In UK, the accounting year is typically 12 months period that follows the calendar year beginning from 1st January to December end. However, this is not obligatory and many businesses choose to their right end as the 31st March, which begins in 1st April. ठीक है. So, देख सकते हैं हम, मतलब हर कंट्री का अलग अलग रहता है. इंडिया में जैसे मैंने बोला हमारा कहा है अप्रैल से मार्च होना चाहिए कहां पे, तो एक ठीक है अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. इन यूएस सम पीपल से फिस्कल ईयर, टैक्सेशन के लिए फिस्कल ईयर बोलते हैं, ठीक है. हर कंट्री का अलग अलग है, ऐसे कोई लिस्ट आई डोंट नो कहां पे आपको मिलेगी.
बट इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक ही अकाउंटिंग ईयर फॉलो होना चाहिए, क्योंकि क्यों ऐसे, बिकॉज दिस इज कंपनी लाइक सपोज इंफोसिस, वो इंडिया में भी, वो यूएस में भी है, यूके में भी है, इंडिया के लिए अलग अकाउंटिंग ईयर, यूएस के लिए अलग अकाउंटिंग ईयर, यूके के लिए अलग अकाउंटिंग ईयर, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए अगर आप कोई भी कंट्री में जाओ सेम अकाउंटिंग ईयर होगा तो आपके राइट कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए धीरे धीरे राइट ये सब चीजें लाइक होमोजीनियस की जा रही है या उनको यूनिफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। सो इंडिया में वी फॉलो अप्रैल से मार्च, इसलिए जब भी हम प्रॉफिट ढूंढते हम अप्रैल से मार्च का प्रॉफिट, उस 12 मंथ्स का प्रॉफिट ढूंढते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जस्ट मैं आपको एक टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ तो आपको और क्लिक होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक से पढ़ो, रिसीविंग पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 18, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ 1st अप्रैल 17 को, एंड हुआ है 31st मार्च 18 को। इस 12 मंथ्स के सब रिसीट्स, सब पेमेंट्स, क्या पैसा आया, कहां पे पैसा गया, देखो 31st मार्च 1920 ईयर होगा, अप्रैल से मार्च, देखो 31st मार्च 18, इंडिया में कोई भी एग्जांपल ले लो इससे। नाउ आई विल शो यू एंड लास्ट वी विल एंड द लेक्चर। ओके एक सेकंड, आई कैन शो यू देयर फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टर रिलेशंस, देखो क्या लिखा है, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए। एन्युअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 1920 स्टार्टेड ऑन 1st अप्रैल 19, एंडेड ऑन 31st मार्च 20, अभी रिसेंट, अभी हम 2021 है, लास्ट ईयर के उनके रिपोर्ट्स है 18, 19, 17। मैंने इसको क्लिक किया, ध्यान देना आप, छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट। पेज नंबर यार किधर है, उस दिन भी मैं ढूंढ रहा था, हाँ इधर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम फाइनेंशियल 235 पेज नंबर पे, ठीक है 235 पेज नंबर। मिल गया। क्या है पढ़ो, देखो दिस इज ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, CAs टू मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी नहीं समझेगा आपको, बट क्या लिखा है वो पढ़ो, वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द कंपनी विच इंक्लूड्स जॉइंट ऑपरेशंस विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 20। सो 1920 कब ईयर खत्म हुआ है, 31st मार्च 20, ठीक है। देखो अंदर थोड़ा और अंदर जाता हूं, दिखेगा इधर पढ़ो, एक सेकंड, हाँ ये पढ़ो क्या लिखा है, इंग्लिश, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 20, देखो एज एट 31st मार्च 20 ये वाला पार्ट, ठीक है, इधर के दो कॉलम्स देखो, एज एट 31st मार्च 20, एज एट 31st मार्च 90, ईयर देखो ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 1920, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से पता चलेगा उनका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है उस साल का 1920-2021। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिख रहा है इधर, प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दिख रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो उनका प्रॉफिट कितना है, आप लोग 30,803 द वैल्यूज आर इन, लिखा होगा इधर किधर, तो इन क्रोर्स, रुपीज इन क्रोर्स, कितना प्रॉफिट है उनका, उनका प्रॉफिट है 30,000
903 crores in 1920 उस 12 मंथ में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 they have earned profit of 30,903 crores. उसके पहले कितना कमाया था? 35,163 crores. आप बोलोगे कम क्यों है? रीजन हो सकता है कोरोना, बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर से ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है, बिकॉज बाहर तो दिसंबर में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था, इफ यू आर अवेयर. सो जनवरी फरवरी मार्च ये थोड़े इंडिया में थोड़े बिजनेस के लिए बुरे दिन थे, तो मे बी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा उनका सेल्स या उनकी इनकम कम हुई होगी, उसको कुछ कर नहीं सकते. दैट इज एवरीवन विल सफर दिस ईयर, थोड़ा तो उनका प्रॉफिट हर एक का कम रहेगा. ठीक है, लाइक जूम जैसे बिजनेस ज्यादा कमाएंगे, नेटफ्लिक्स जैसे बिजनेस ज्यादा कमाएंगे, बट मैं एक टेंटेटिवली बोल रहा हूँ मैक्सिमम बिजनेसेस विल सफर, दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. हमारी फैमिली सफर होती है हर एक की, तो बिजनेस तो डेफिनेटली होगा. ठीक है, सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम राइट क्या कर रहे हैं. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कर रहे हैं वो हम कौन से ईयर के लिए करते हैं? अप्रैल से मार्च. ठीक है, आगे यहां पे आपको अगर कुछ समझेगा तो अच्छी बात है. लेट मी शो यू, अगर पॉसिबल है तो, नॉट मैंडेटरी. एक सेकंड ना, हाँ, इधर आप थोड़ा तो समझ सकते हो. देखो उनके लैंड असेट्स क्या है, जस्ट वन मिनट. उनके असेट्स में क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर फिक्चर्स, व्हीकल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स. हमें पता है कि रिलायंस हैज इट्स ओन एयरक्राफ्ट्स, राइट? मोदी को दिया था देखो इलेक्शन के टाइम यूज करने के लिए. सो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर देयर असेट्स, उनके प्रॉपर्टीज है. कितने के? Again, the figures are in crores, I think. Yes. Almost 46 crores ke unke paas aircrafts and helicopters hai. Rights to use. Unke paas land, property, ships. Theek hai? Are wo import export karte hai na, to unke khud ke hai. Technical know-how fees. Right? Patents wagera. Right? Patents. Uske baad aap ye le sakte ho. Copyright. वगैरह, टेक्निकल नो हाउ, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट राइट्स एक्सेट्रा अदर्स. सो दीज आर, अभी तो इतना तो समझ में, एसेट मतलब तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, दीज आर दियर एसेट्स. ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है. कल आपका 11 इन द मॉर्निंग मैथ्स एंड परसों मेरा अकाउंट्स. ठीक है, थैंक यू.